आईटी इंडस्ट्री जिस तेजी से ग्रो कर रही है उतनी ही तेजी से बीसीए ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है और बीसीए ग्रेजुएट्स को मिलने वाले बेनिफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे बीसीए कोर्स के बारे में आपको नॉलेज जरूर होगी और हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स या तो बीसीए कोर्स कर रहे होंगे या फिर बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे होंगे। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में करियर बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस भी है। तो ऐसे में अगर आपको ये जानकारी भी मिल जाए कि बीसीए कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, ये कोर्स आपके करियर को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है और इस कोर्स को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपके लिए बीसीए की राह काफी ज्यादा आसान हो सकती है। इसलिए आज आईएमटीएस सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीसीए कोर्स से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और बीसीए कोर्स से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ऑल अबाउट कंप्यूटर्स बीसीए कोर्स। पूरी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड कोर्स है जो कंप्यूटर को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता है। ऐसे में अगर आप टेक्निकल जीनियस बनने का इरादा रखते हैं या फिर कंप्यूटर्स के फील्ड में अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बीसीए कोर्स आपके लिए राइट चॉइस साबित होगा। इस 3 साल के डिग्री कोर्स में आपको कंप्यूटर्स के फील्ड से जुड़ी वो सारी नॉलेज दी जाती है जो इस फील्ड में करियर बनाने और मनपसंद जॉब पाने के लिए जरूरी होती है। दूसरा है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, यानी कि बीसीए कोर्स हाईली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कोर्स है जिसका पूरा फोकस सॉफ्टवेयर पर होता है कंप्यूटर का। ये फील्ड बहुत ही प्रोग्रेसिव फील्ड है जो बीसीए करने वाले स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन करियर दे सकता है। नंबर 3 पर है करियर ऑप्शंस। बीसीए कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे ब्राइट करियर ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ करियर ऑप्शंस हैं: सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 पर रिक्रूटमेंट की, यानी कंप्यूटर्स अब केवल आईटी कंपनीज तक ही सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि हर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की जरूरत बन गए हैं। ऐसे में हर कंपनी ऐसे स्किल्ड और टैलेंटेड कैंडिडेट्स को हायर करना चाहती है जिन्हें कंप्यूटर फील्ड की नॉलेज हो। ऐसे में बीसीए कैंडिडेट्स को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे ही कुछ रिक्रूटर्स है IBM, Oracle, Infosys, Google, HCL, NIIT, Dell, Wipro, Tech Mahindra और Accenture। इसी के साथ आगे नंबर 5 पर है गुड ऑप्शंस फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि बीसीए करने के बाद आप अच्छी जॉब तो आसानी से ले ही सकते हैं। इसके अलावा बीसीए के बाद अगर आप आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको बहुत से अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे कोर्सेज करने से आपकी करियर को बहुत ही बेनिफिट मिलता है और एडवांस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज करने से आपकी जॉब और सैलरी को भी बहुत हाइक मिल जाती है। तो ऐसी ही कुछ कोर्सेज है MBA यानी कि IT मैनेजमेंट MSc यानी कि IT CCNP और CCNA सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट यानी कि MCSA सर्टिफिकेशन और साथ ही रेड हैट सर्टिफिकेशंस। तो बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है वही पब्लिक सेक्टर में भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आईटी डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में जो है नंबर 6 पर गुड सैलरी पैकेज। जी हाँ, आईटी फील्ड हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स में से एक है, इसलिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल को एक फ्रेशर के तौर पर 20-40 हजार रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। और अगर आप MCA जैसी एडिशनल डिग्री भी रखते हैं या जावा, ओरेकल और C++ जैसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन रखते हैं तो आपको इस सैलरी में हाइक मिलना पक्का है। जहां तक आईटी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट कंपनीज की बात है तो गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, फेसबुक जैसी कंपनीज फ्रेशर्स को भी 6 फिगर सैलरी दिया करती है और ऐसे फ्रेशर्स में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। बस आप बीसीए के प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और सिर्फ पढ़ने और डिग्री लेने के लिए बीसीए कोर्स ना करें बल्कि अपनी पसंद की मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और अपना काम करना बखूबी जानते हैं तो आपको मिलने वाली सैलरी उतनी ही तेजी से बढ़ सकती है जितनी तेजी से आईटी सेक्टर बढ़ रहा है। इसलिए खुद को अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनाइए और बीसीए करते टाइम अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन और पैशन उसी में लगाइए। तो दोस्तों, आईएमटीएस सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको बीसीए कोर्स से होने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा और आपके लिए बहुत ही मददगार भी साबित होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए जानकारी आपको कैसी लगी और अगर किसी को जरूरत है, कोई इस बारे में प्लान कर रहा है बीसीए करने के बारे में, तो प्लीज आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए
आप हमें बताते रहे कि इस बारे में आपको जानकारी लेनी है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।